दोस्तों आपको मूवी का ये वाला सीन तो याद ही होगा जिसमें ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है। आपको बता दें कि इस ट्रेन को दिखाने के लिए एक फोटो का यूज लिया गया था जिसकी हेल्प से सीजीआई वाली ट्रेन बनाई गई और ब्लास्ट को दिखाने के लिए वीएफएक्स का यूज लिया गया। आप स्क्रीन पर शूटिंग होते देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2014 में रिलीज हुई पीके मूवी के बिहाइंड द सीन। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हो या फिर आमिर खान के फैन हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके आ जाओ वीडियो के अंदर। दोस्तों मूवी के अंदर ये कार डांसिंग वाला सीन तो याद ही होगा जिसमें पीके कार के पास आकर कार से कपड़े चोरी करके लेके जाता है। इस सीन में कार को हिलता हुआ दिखाने के लिए कुछ लोगों की हेल्प ली गई थी जिसमें 40 कारों को एक जगह खड़ा किया गया और फिर कुछ लोगों से कार को हिलवाया गया। इसके साथ साथ पीके के बहुत सारे टेक को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी का सबसे फनी ये वाला सीन तो याद ही होगा जिसमें पीके राजस्थान के एक गांव में घूम रहा होता है और फिर एक नाई के पास बैठ जाता है। इस सीन को करने के लिए कपड़े को बम में अच्छी तरह से घुसाया गया था। आप स्क्रीन पर शूटिंग होते देख सकते हैं। ये मूवी का फर्स्ट सीन तो याद ही होगा जिसमें पीके स्पेसशिप से नीचे उतरकर जमीन पर आता है। इस सीन में सीजीआई और वीएफएक्स का यूज लिया गया था जिसकी हेल्प से स्पेसशिप को बनाया गया। इसके जस्ट बाद ये वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी पीके का रिमोट छीनकर भाग जाता है। इस सीन को राजस्थान के एक रेलवे ट्रैक पर शूट किया गया था। आप आमिर खान को ट्रेन के पीछे भागते हुए देख सकते हैं। इस मूवी में पीके का करेक्टर सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग था जिसमें आमिर खान को पीके बनाने के लिए लुक टेस्टिंग की गई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया कि पीके के बाल नाक कैसे दिखने वाले हैं। आप स्क्रीन पर पीके की लुक टेस्टिंग को स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं मूवी में यूज किए गए सीजीआई और वीएफएक्स की। आपको बता दें कि वैसे तो मूवी के हर एक सीन को रियल लोकेशन पर ही शूट किया गया था पर कुछ सीनों को रियल लोकेशन पर शूट करना पॉसिबल नहीं था तो इसके लिए ग्रीन सेटअप बनाया गया था जहां पर इन सीनों की शूटिंग हुई थी जिसे बाद में सीन के साथ मर्ज करके सीन को कम्प्लीट किया गया था। आप स्क्रीन पर कुछ सीनों को ग्रीन स्क्रीन पर शूट करते हुए देख सकते हैं। तो अगर आपने बाहुबली या फिर क्रिश 3 मूवी के बिहाइंड द सीन की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर से करना।